अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी बेटी आई है बाहर से, तो उसने कहा कि जोई जो है छोटा सा वो निकल के घूम फिर रहा है इनका, तो हम चलते हैं उस तरफ कि शायद आपको जोई जो है वो थोड़ा करीब से दिखा सकें। यहाँ तो सारे हैं तो यहाँ तो ये रुकेंगे भी नहीं। तो देखा आपने, कुछ ना कुछ जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। वो बाहर खड़ा है पाउच से, वो देखिए घुस रहा है, घुस के अंदर चला गया। उसको हमारे आने का इतनी दूर से पता लग रहा है। तो देखिए जरा, तो चलते हैं आगे। वैसे इन्होंने खाते खाते आना ही होगा घर के करीब, लेकिन सुबह सुबह का वक्त है, मम्मी को नाश्ता बना के दे रहे थे, हरी मिर्चों के पकौड़े बेटी ने बनाए हुए हैं, तो वो हमने काट के आधा आधा करके मम्मी की ब्रेड में लगा दिया। और चाय हमने डाली है, अभी दूध चीनी नहीं डाला उसमें, और बेटी को कहा बना के दे। हम साथियों के लिए भाग के ये क्लिप बनाया है, क्योंकि अमूमन ये नज़ारे जो हैं ये देखने को नहीं मिलते हैं। देखा अंदर घुस गया हुआ है, तो ये बाहर निकल के इधर फिर रहा था। ये हमने बनाया था आपके लिए, निकला हुआ तो खैर नहीं बनाया, जोई पाउच में ही बनाया, लेकिन वो सारे क्लिप्स जो है हमने बताया कि पूरा फोल्डर ही डिलीट हो गया। ओहो, ये भागेगा तो दूसरा फिर भागेगा ही भागेगा। गाड़ी में आते तो हम ज़्यादा करीब जा सकते थे, क्योंकि गाड़ियों के ये आदि हैं, जैसे सड़क सड़क पार करते हैं, इनको पता है गाड़ी का, लेकिन इनको ऐसे किसी के इनकी तरफ वॉक करने का पता नहीं है। वैसे भी इनको अप्रोच नहीं करना चाहिए, ये ख़तरनाक हो सकते हैं। परिंदे सुनाई दिए, ये सुबह सुबह बोलते हैं, आँख खुले तो बड़ी रौनक होती है, शाम को भी बोलते हैं, दिन को ज़रा ये है कि खामोशी हो जाती है, फिर 2:30 बजे के करीब इनकी आवाज़ें शुरू होती हैं, क्योंकि दिन को ये रेस्ट करते हैं, गर्मी होती है, इनको पसीना तो आता नहीं कि ये अपना टेम्परेचर जो है ड्रॉप कर सकें बॉडी का। तो अब ये नहीं पता कि ये वही वाला जोई है कि नहीं, वैसे ये दो मॉम्स ही हैं जो साथ फिरा करती हैं। तो ये साहिब जो हैं ये बाहर फिर रहे थे, जोई मियाँ इधर उधर खेलते फिर रहे होंगे, तो बेटी को आता हुआ दिखाई दिया होगा। तो इनमें से अगर एक भी भागता है डर के, तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके पीछे जाता है। तो उस दिन तो हम घर के करीब थे, ये घर के करीब आए हुए थे, तो हम कुर्सी करीब करते गए, छोटी सी बेंच ले गए थे, तो पूरा का पूरा उसी तरह लंबी सी टेल वाला बेबी होता है, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा। इसको हमसे डर नहीं लग रहा, इसीलिए ये झुक गई है। अगर हम सारा दिन यहाँ बैठ रहे हैं तो ये जोई बाहर निकलेगा। उस वक्त ये होगा कि ये थोड़ा सोएगा, जब सो के जब इसने उठना होगा तो माँ जो है वो पाउच का मुंह खोल के अपनी जो पाउच है वो ज़मीन से लगा के खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल साकेत, हिले जुलेगी नहीं, तो जोई को फिर पता लग जाएगा। और ये अपनी पाउच को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब इन्होंने बच्चा उससे बाहर निकाल के फेंकना है तो ये आराम से उसको सुकेड़ लेते हैं। उससे ये है कि वो सोया सोया बच्चा ही बाज़ दफ़ा धड़म करके बाहर गिरता है और फिर वो एकदम हड़बड़ा के जागता है। ये बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं ये, कि हम कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ ये आपको दिखाते रहें। फिर वो उठता है, कान छान अपने हिलाता है, सर झटकता है, और फिर जो है वो खड़ा हो जाता है झूमता झामता, नींद में, सख्त नींद में। तो फिर वो थोड़ा बहुत इधर फिरेगा उधर फिरेगा, लेकिन ऐसे मम से दूर नहीं जाता, मम से करीब ही रहता है। तो इस वक्त एक जोई तो ये बड़ा वाला है, दूसरा इसकी ट्रीट से लगा हुआ होगा। तो जैसे ही ये जोई बाहर निकलने निकलने लगेगा, वो जल्दी जल्दी जो दूसरा जोई है वो बड़ा होने लग जाएगा, वो बड़ा होने लग जाएगा, और फिर इसके अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आते ये इस ट्री लाइन में से है,
कहीं ज़रा भी अंदर हुआ तो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये घास काफ़ी लंबी होती है। लेकिन इन्होंने ये जो ताज़ी शूट्स हैं ये खानी है घास की। तो बच्चा भी देखा, हम आपको बताया करते थे कि जब ज़रा बड़ा होता है तो वो माँ की पाउच से ही बैठा बैठा ही मुँह से थोड़ी थोड़ी घास खाता रहता है, देखा आपने। तो साथ साथ फिर उसे भी आदत हो जाती है, क्योंकि वो दूध से अब अलग हो रहा होता है ज़्यादा, फिर वो खाने पीने लग जाता है। तो ये तो वैसे बहुत अच्छा हो कि बजाय इसके हम इनकी तरफ जाएं ये हमारे पास आते रहें, तो ये चल के हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तो ये देखा आपने ताज़ी शूट्स जो निकली हैं, थोड़ी सी रात को शायद ड्रिजलिंग भी हुई। ये हमें क्योंकि यहाँ देखते रहे हैं हमेशा आसपास ही, इस वजह से ये इतने डरते नहीं हैं। तो उम्र वगैरह का हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना होगा जोई और कितनी देर में ये पाउच छोड़ता है, लेकिन ये सारी बातें हमें पता थीं पहले। अब तो ज़िंदगी बहुत ही उसका फैलाव इतना ज़्यादा है कि बहुत कुछ जो जहन में हुआ करता था वो फारिग हो चुका हुआ है। तो ये है हमारा कैंगरू, ऑस्ट्रेलिया का जाना माना मार्सुपियोल। तो प्लेटापुस भी एक मार्सुपियोल है। मार्सुपियोल उन जानवरों को कहा जाता है जो अपनी पाउच में अपना बच्चा रख के उसको दूध पिलाते हैं। तो आप देखें उसकी टेल भी साथ लटक रही है। तो दुम इनकी इतनी लंबी होती है क्योंकि ये जो दुम है इससे ही ये एक टांग का काम लेते हैं कि सहारा लेके खड़े होते हैं, रिक्शे की तरह समझो कि तीन टांगें। देखा आपने ये आगे मूव करने के लिए भी उसका ज़ोर लगाते हैं दुम का, ये देखें, फिर ये टांगें उठा लेते हैं। तो ज़रा सा बोझ ये अपनी अगली टांगों पर डालते होंगे। लेकिन इनको लड़ते हुए जब आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ये मेनली अपनी टेल को ही खड़ा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि इनकी चारों टांगें जो हैं वो हवा में होती हैं, बाजू और टांगें। हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे क्योंकि अगर हम हिले तो ये डरेगा, और ये हमसे कोई 6 गज के फासले पे भी नहीं है, इस वक्त बिल्कुल सामने है। बहुत ही क्यूट सा जानवर है कैंगरू। हमारे ये ज़्यादा करीब हो रहा है। अच्छी तरह से हमें जोई सलाम करने आया है, देखें करीब होके, और माम भी। वैसे इतने करीब होना नहीं चाहिए जितना कि हम खड़े हैं। चलिए जी, टाइम इज़ अप। तो ये थी जोई से मुलाकात आज सुबह की। खुदा करे कि आपको सही तौर पे ये दिखाई दिया हो। भागे भागे आए और ये देखेंगे सारा एरिया जो है घास का वो हम काटते हैं। वो हमारा घर सामने, और घास जो है वो समझेंगे काटने वाली हो ही रही है। तो कोई एक हफ्ता और समझे हमें मिलेगा जबकि हमने घास काटनी है, और उस वक्त में दोनों बॉयज़ की यानी हमारे बेटों की बर्थडेज आनी है और ईद आनी है। तो ये दो ओकेजन्स हैं। ईद की अभी कोई तैयारी नहीं है, कुछ पता नहीं है कि मेन्यू क्या रखना है, क्या बनाना है, लेकिन ये तो स्टेक वगैरह के चक्करों में हैं बच्चे, तो ये देसी वेसी खाने के सिलसिले शायद इस बार ना हो। तो देखो अभी सोचते हैं कि क्या करना है। बहू आ जाए तो फिर सारे मिलके मीटिंग करते हैं कि पकाना क्या है। तो अप हिल है, जैसे यहाँ से ये देखें नीचे को जाता हुआ है, तो अच्छी खासी जो परेड है वो इंसान की यहाँ होती ही रहती है। और ऐवान इस कदर तेज़ भागने लगा है अब माशाल्लाह से कि वो पकड़ा नहीं जाता। तो कल भी सोनी मियाँ कह रहे थे कि वो चूहे की तरह भागता है, एक तरफ से ऐसे जूम करके, और फिर नहीं पता लगता वो कहाँ गया। कि वो कल भी हम इधर खड़े कपड़े फैला रहे थे और वो साहिब जो हैं वो दौड़े हैं
और हमने कहा कि देखो किधर को गया, कहीं सड़क की तरफ ना भाग ले, तो देखा तो उधर सोनी मियाँ फ्रूट ऑर्चर्ड में उसके पीछे दौड़ रहे थे सर पलटने पर, और वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। वो इतना तेज भागता है, उसकी स्पीड इतनी है कि खुदा की पनाह कि अब हमें दरवाजे जो हैं वो लॉक रखने पड़ेंगे। तो चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सुबह, नाश्ता करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।